एक वीडियो से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। ये वीडियो प्रिया की डेब्यू फिल्म ओरु अदार लव का टीजर गाना है। फिल्म में मनिक्य मलायरा पूवी नाम से गाना है, जिसमें ये सीन दिखाया गया है। ये गाना शान रहमान ने कंपोज किया है। अब इस गाने के पीछे की असली कहानी सामने आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया का वायरल गाना पीएमए जब्बार के फेमस मपिला पट्टू का नया वर्जन है। इसे साल 1992 में एक एल्बम में शामिल किया गया था। गाने में पैगंबर मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खदीजा बीवी के बारे में जिक्र है। नए वर्जन की तरह इसका ओरिजिनल गाना भी काफी पॉपुलर हुआ है। इस गाने के कई मॉडिफाइड वर्जन पहले से यूट्यूब पर मौजूद है। मपिला पट्टू पारंपरिक मुस्लिम गाने के तौर पर मशहूर है। इसे नॉर्थ केरल के मलयालम में गाया जाता है, जिसमें अरबी, उर्दू और फारसी के शब्द शामिल हैं। इस गाने को खास तौर पर शादी के मौकों और स्कूल के प्रोग्राम्स के दौरान गाया जाता है। अब इस गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद इस गाने के ओरिजिनल लेखक की तलाश हुई। सबसे खास बात यह है कि एक मलयालम पोर्टल ने गाने के असली लेखक का इंटरव्यू लिया, जहां से पता चला कि गाने के लेखक जब्बार अब सऊदी अरब में रहते हैं और वहीं एक जनरल स्टोर में पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने इस गाने को 4 दशक पहले करीब 20 साल की उम्र में लिखा था। वो अब तक 500 से ज्यादा गाने लिख चुके हैं। ये गाना साल 1992 में आए एक एल्बम का हिस्सा बना था। उन्हें सिनेमा में उस्ताद जब्बार के नाम से भी जाना जाता है। गाने पर हुई कंट्रोवर्सी को लेकर जब जब्बार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी फिल्म मेकर ने इस गाने को अपने फिल्म के लिए लिखा था। आज गाने को जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, इससे वे बेहद खुश हैं। उन्होंने गाने पर बैन लगाने के मामले पर कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बेकार में हो रही है, क्योंकि गाने में ऐसा कुछ भी विवादित नहीं है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।